नमस्कार। बहुत सारे लोगों को आँखों के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि काला चश्मा क्या ये ज़रूरी है या फिर बस एक ये फैशन सिंबल है? क्या बहुत लंबे समय तक अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारी आँखें क्या परमानेंटली ख़राब हो जाती हैं? ये जो 3D मूवी हम हॉल्स में देखते हैं, ये हमारी आँखों के लिए अच्छा है या बुरा है या कोई इफ़ेक्ट नहीं करता? तो आइए, आज मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आँखों के बारे में बात करेंगी, कुछ फैक्ट्स और फैलेसीज के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये है कि सनग्लासेस क्या हमें हमेशा पहनने चाहिए? तो हाँ, ये एक फैक्ट है। हम जब भी बाहर जाते हैं हमें सनग्लासेस पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। अब ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो UVA और जो UVB होती हैं, जो छोटी वेवलेंथ की होती हैं, ये हमारी आँख में कैंसर करा सकती हैं, कैटरेक्ट करा सकती हैं। तो ये एक फैक्ट है दैट वी शुड ऑलवेज वेयर सनग्लासेस व्हाइल गोइंग आउटडोर्स। दूसरी बात ये, बहुत लंबे समय तक अगर हम लैपटॉप को देखते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी आंखें हमेशा के लिए ख़राब हो जाती हैं, ये एक परमानेंट डैमेज करता है, तो इट्स अ फैलेसी। लंबे समय तक कंप्यूटर देखने से, मोबाइल देखने से, लैपटॉप देखने से हमें डिजिटल आई स्ट्रेन तो हो सकता है, हमारी आंखों में थकावट लग सकती है, हमें ड्राइनेस हो सकता है, लेकिन ये हमारी आंखों को परमानेंटली कोई डैमेज नहीं देता। तीसरी बात क्या कि स्मोकिंग से कैटरेक्ट होता है? हाँ, ये एक फैक्ट है। जो स्मोकिंग होती है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी आंखों में कैटरेक्ट करा सकता है, हमारी आंखों में ड्राइनेस करा सकता है। तो टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, किसी भी फॉर्म में हमें अवॉइड करना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि जो 3D मूवीज़ होती हैं दे आर बैड फॉर योर आइज़। जो 3D मूवीज़ देखने के बाद कई सारे लोगों को चक्कर आते हैं, नौजिया फील होता है, वो डिजीनेस फील करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी आँखों को कोई भी डैमेज नहीं होता। हमें सर दर्द हो सकता है अगर हमारा डेप्थ परसेप्शन में कोई गड़बड़ है, लेकिन ये हमारी आंखों को ख़राब नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और ये जो फैक्ट्स एंड फैलेसीज हैं आईज़ की, ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो टिल देन, स्टे हिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर आईज़। थैंक यू।